अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक ऑफिशियल डिसीजन लिया गया है जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी अरब जाने वालों को 6,500 रियाल दिए जाएंगे। इसके अलावा जो लोग सऊदी अरब के अंदर काम करते हैं, आप लोगों के लिए काफी सारी जरूर जानकारी आई है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज की एक बड़ी खबर आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से आई है। तो जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर लगातार सऊदीजेशन हो रही है, गैर मुल्की लोगों को हटा करके सऊदी शहरियों को जॉब दी जा रही है। आप यहाँ पर एक रिपोर्ट देख सकते हैं जो कि सऊदी नेशनल लेबर सेंटर की तरफ से आई है, जिसमें कहा गया है कि सिर्फ जुलाई के महीने में प्राइवेट सेक्टर में 34,600 सऊदी शहरियों को जॉब दी गई है। यानी आप इससे यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने गैर मुल्की लोगों को, या हो सकता है कि इससे भी ज्यादा गैर मुल्की लोगों को सिर्फ जुलाई के महीने में यहाँ से जॉब से हटा दिया गया होगा। और यहाँ पर अभी पूरी तादाद जो है सऊदी अरब के अंदर प्राइवेट सेक्टर में जो सऊदी शहरियों की है, उसमें बताया गया है कि लगभग 23 लाख सऊदी शहरी अभी काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के अंदर। जैसा कि आपको मालूम है, पिछले कुछ साल से लगातार सऊदी अरब के अंदर सऊदीजेशन हो रही है और अब प्राइवेट सेक्टर में सऊदी शहरियों की तादाद 23 लाख हो चुकी है। दोस्तों, एक खबर सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से आई है जिसमें कहा गया है कि पिछले एक हफ्ते में, यानी 28 जुलाई से लेकर 3 अगस्त तक सऊदी अरब के अंदर 991 मोटरसाइकिलों को जब्त किया है। और सबसे ज्यादा जो मोटरसाइकिल जब्त की गई हैं वो जद्दा के अंदर है, लगभग 476। यहाँ पर खबर में यह बताया गया है कि जो लोग इन मोटरसाइकिलों को चला रहे थे उन्होंने संगीन जुर्म किए हैं, ट्रैफिक का वायलेशन किया है, जिसकी वजह से ये मोटरसाइकिल अब वापस नहीं की जाएंगी। तो देखिए, ये खबर बताने का मकसद ये है कि अभी सऊदी अरब के अंदर कुछ महीनों से आप कह सकते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जो है अभी फूड डिलीवरी का काम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है, कोई और सामान भी डिलीवर करने का, और ज्यादातर फूड डिलीवरी के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो गैर मुल्की ही हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, फूड डिलीवर करने में टाइमिंग होती है कि 20 मिनट में या आधे घंटे में आपको फूड डिलीवर करना है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, रॉन्ग साइड जो है गाड़ी चला देते हैं, या कहीं पर भी जो है गाड़ी को मोड़ देते हैं, या कुछ भी जो है वायलेशन कर देते हैं। वो सोचते हैं कि हमें कोई देख नहीं रहा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम है, सऊदी अरब के अंदर हर कहीं रोड पर जो है कैमरे लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बाद में इनकी पहचान करके इनको पकड़ लिया जाता है और इनकी गाड़ी को भी जब्त किया जा रहा है। तो इस चीज़ का ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर हमारे गैर मुल्की भाई ही फूड डिलीवरी का काम कर रहे हैं मोटरसाइकिल से। इसी के साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है, अगर आप मोटरसाइकिल को बिना हेलमेट पहने चलाएंगे तो फिर आपके ऊपर 2,000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हाइल की एक वीडियो सोशल मीडिया पर अभी काफी तेजी से वायरल हो रही है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वीडियो में और खबर में यह बताया गया है कि जो वेस्ट कंटेनर रखे हुए हैं, यानी जो बर्मिल रखे हुए हैं, उनके अंदर एक स्मार्ट चिप लगाई गई है, और जब ये कंटेनर, ये बर्मिल फुल हो जाएगा तो एक नोटिफिकेशन जाएगा म्युनिसिपैलिटी को, और बाद वहां से वर्कर आएंगे और इस बर्मिल के अंदर जितना भी कचरा होगा उसको साफ करके चले जाएंगे। यानी आप यहाँ पर यह कह सकते हैं कि हाइल सिटी को साफ सुथरा रखने के लिए स्मार्ट सिस्टम लगा दिया गया है, पूरी तरह से इसको मॉनिटर भी किया जा रहा है। अलावा दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर एक ऑफिशियल डिसीजन लिया गया है जिसमें यह बताया गया है, अगर आप किसी भी फ्लाइट से सऊदी अरब के अंदर पहुंचते हैं और आपका लगेज गुम हो जाता है, वो कहीं खो जाता है, तो ऐसी सूरत में आपको 6,568 रियाल पे किए जाएंगे एयरलाइंस की तरफ से। तो देखिए, अगर आप किसी भी फ्लाइट से पहुंचते हैं सऊदी अरब के अंदर, अगर आपका लगेज गुम हो जाता है, यानी जो भी आपका बैग है या कोई कार्टन वगैरह आप लेकर के गए हैं अपने साथ में, अगर वो गुम हो जाता है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी रकम मिलने वाली है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, बांग्लादेश के अंदर तख्ता पलट हो चुका है और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो वहां से भाग चुकी हैं, इंडिया आ गई थी वो। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो प्रदर्शन चल रहे थे काफी ज्यादा वो भयानक हो गए थे, और आप यहाँ पर एक वीडियो भी देख सकते हैं, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो लोग संसद के अंदर घुस गए, जहाँ पर प्रधानमंत्री से लेकर के MP तक बैठते हैं, उन कुर्सियों पर जाकर के जो प्रदर्शन कर रहे थे स्टूडेंट या जो भी लोग वहां पर थे, वो बैठ करके फोटो जो है खिंचवा रहे हैं वहां पर। इसके अलावा आप जो प्रधानमंत्री का आवास है उसको पूरी तरह से लूट लिया गया है, आप यहाँ पर जो है देख सकते हैं फोटो में भी, यानी जिसको जो भी सामान मिला, यानी जो बत्तख रखी हुई थी, इसके अलावा बकरी वहां पर थी, या जो टेबल पे चादर वगैरह पड़ी हुई थी, यानी जिसको जो सामान वहां पर मिला है वो उसको लेकर के चला गया है। तो ये कुछ जरूरी जानकारी आई थी, कुछ जरूरी खबरें थी, मैंने आपके साथ में शेयर कर दी है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।